हेलो बच्चों, आपका S2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, इन्जॉय करिए। आज हम लोग इलिप्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको टेंजेंट और टेंजेंट के प्रॉपर्टीज के विषय में बताया गया था। आज हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखना सीखते हैं, ठीक है सर? तो आपके स्क्रीन पे रहा इक्वेशन, आप नॉर्मल x1, y1 पे। तो एक इलिप्स बनाते हैं। इलिप्स का इक्वेशन है x2 / a2 + y2 / b2 = 1। x1, y1 पे मान लो ये सर टेंजेंट है और x1, y1 पे हमें लिखना क्या है, नॉर्मल। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होके जाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का अगर इक्वेशन आपको लिखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा? नॉर्मल मतलब क्या, लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए किसका जरूरत होता है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो पता ही है जिस पे नॉर्मल लिखना है, बस क्या ढूंढना है सर, स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं चाहे तो, या तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख के निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिखे थे x x1 / a2 / y y1 / b2 = 1। x1 y1 पे टेंजेंट का यही इक्वेशन था, ठीक है सर ना? तो टेंजेंट का स्लोप पहले देख लेते हैं, फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप देखो कितना आ रहा है, ये x1 वाला टर्म और x वाला जो भी टर्म है उधर ले जाओ, तो मिल जाएगा आपको -b2 / a2 x1 / y1, ठीक है सर? b2 / a2 x1 / y1, वो भी किस में, माइनस में ना। ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का। तो उल्टा करके माइनस कर दो तो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो उल्टा करके अगर माइनस करते हैं तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा आपको कितना, a2 y1 / b2 x1। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आप नॉर्मल लिखते हैं y - y1 = m। m है a2 y1 / b2 x1, x - x1, ठीक है सर? अब एक काम कर सकते हैं, b2 का मल्टीप्लाई करो और y1 का डिवाइड करो। क्या कहे हैं, b2 का मल्टीप्लाई LHS साइड, y1 का डिवाइड। अच्छा, तो ऐसा कुछ मिलेगा, देखो b2 y/y1 से मल्टीप्लाई, y1 से डिवाइड, और y1 b2 / y1 मतलब b2। इधर a2 / x1 बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो a2 x / x1 - a2, ठीक है सर? a2 इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो आपको दिखेगा a2 x / x1 - b2 y/y1 = a2 - b2, और a2 - b2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं a2 e2। याद ही होगा सबको, अरे b2 कितना था, b2 था a2 1 - e2। अच्छा, तो यहां से देखो तो a2 - a2 e2 इधर मल्टीप्लाई करें ना, ये b2 है, तो a2 - b2 किसके बराबर, a2 e2 के बराबर। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है x1, y1 पे। डायरेक्ट सर इसे याद रखेंगे आप, इक्वेशन आप नॉर्मल अगर कभी x1, y1 पॉइंट पे लिखना रहेगा तो a2 x / x1 - b2 y/y1 = a2 e2 / a2 - b2, जो भी आपको अच्छा लगे याद कर लेना। तो ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन x1, y1 पे। अच्छा, एक बात और, कोई भी नॉर्मल एक्सिस के अलावा, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, फोकस से पास नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होता है, आप अपने कॉपी में चाहें तो नोट कर लें कि कोई भी नॉर्मल एक्सिस के अलावा फोकस से पास नहीं होता। मतलब कोई भी नॉर्मल आप चाहे यहां बनाए, यहां कहीं भी अगर बनाएंगे तो फोकस से पास नहीं होता है।
ये वाला जो नॉर्मल होता है वर्टिसेस पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, यही होगा। अरे ये टेंजेंट है भाई, नॉर्मल यही लाइन होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस, तो वो फोकस से जाता है सिर्फ, इसके अलावा कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं होता। अगर आपको प्रूव करना है तो एक बार चेक कर लो, ए कामा जीरो से इसको पास कराओ, मतलब एक्स वन के जगह, हाँ एक्स के जगह ए ही रख दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स के जगह ए अपॉन एक्स वन बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सही है सर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर आप एक्स वन का वैल्यू देखेंगे, एक्स वन कितना आ गया, ए बाई ई स्क्वायर मतलब ए बाई ई आ गया, एक्स वन ए बाई ई मतलब, अरे यार ये तो पॉइंट कहाँ चला गया, एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए बाई ई आ गया, अच्छा ए बाई ई आ गया, ए बाई ई क्या होता है, अरे डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स के ऊपर पॉइंट है वो, नहीं है मतलब वो फोकस से पास नहीं होगा, सिंपल से बात होता है। कोई भी नॉर्मल अगर आपको फोकस से पास कराना है, फोकस से पास करा दो, ठीक। अब देखो ये फोकस से पास कब करेगा, फोकस से अगर आप पास कराएंगे तो ए कामा जीरो से पास करा दिए इसको, मतलब एक्स के जगह ए ही रख दिए, वाई के जगह जीरो रख दिए, तो आपको मिला ए स्क्वायर ए बाई एक्स वन बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आप एक्स वन का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए बाई ई स्क्वायर मतलब ए बाई ई आ गया, ए बाई ई, ए बाई ई किसका कोऑर्डिनेट होता है, डायरेक्ट्रिक्स का, तो डायरेक्ट्रिक्स तो इलिप्स के ऊपर का पॉइंट है नहीं, मतलब फोकस से पास नहीं होगा, समझ गए होगे। अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर से आपको पता चला होगा कि वर्टिसेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस से जाएगा, इसके अलावा कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं होता, है प्रॉपर्टी होता है, आप लिख के याद कर लेंगे। दूसरा बात एक और बताते हैं, देखो फिगर फिर से बनाते हैं इलिप्स का, ये फोकस है एस, दूसरा फोकस मान लो एस डैश है, ठीक है सर। अब किसी पॉइंट पी पे हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मल, किसी पॉइंट पी पे नॉर्मल है, मान लो एक्सिस को एन पे मिला, सही, ये एस डैश को और एस को मिला दो पी से, क्या किए हैं, पी को एस डैश से और एस से मिलाए, ठीक। पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वन कामा वाई वन है, एस का कोऑर्डिनेट सब जानते ही हैं ए कामा जीरो, और एस डैश होता है माइनस ए कामा जीरो। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसी पॉइंट को दोनों फोकस से मिलाओ तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, होगा पी एस एस डैश ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो पी एन होता है वो एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर होता है, अच्छा मतलब पी एन पी एस और पी एस डैश, पी एस और पी एस डैश इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और एक प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को अगल बगल वाले साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, अच्छा मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जो एन है जहाँ पे ये मिला है एस एस डैश को, ये अगल बगल वाला साइड मतलब पी एस और पी एस डैश के रेशियो में डिवाइड करता है। चलो इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं, एक्स वन वाई वन पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगा पता करना है तो वाई को जीरो डाल दिए भाई, अच्छा वाई को जीरो अगर रखते हैं तो एक्स आएगा ए स्क्वायर देखो हो गया कैंसिल, ये आएगा ई स्क्वायर एक्स वन, अच्छा मतलब एन का कोऑर्डिनेट ये आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स वन कामा जीरो, ठीक है ना, ई स्क्वायर एक्स वन कामा जीरो। अच्छा अब देखो पी एस क्या है, पी एस है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे ए माइनस ई एक्स और ए प्लस ई एक्स आया था, अच्छा मतलब ये आ जाएगा ए माइनस ई एक्स वन और पी एस डैश आ जाएगा ए प्लस ई एक्स वन, अच्छा एन एस कितना है, एन एस एन एस एन एस है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए ई माइनस ई स्क्वायर एक्स वन, और एन एस डैश, एन एस डैश आ जाएगा ई ए ई प्लस ई स्क्वायर एक्स वन, अच्छा अब इन दोनों का रेशियो निकालो एन एस अपॉन एन एस डैश,
एन एस अपॉन एन एस डैश, ये आएगा देखिए सर, ई कॉमन है यहाँ से, ये आ जाएगा ए माइनस ई एक्स वन। अच्छा यहाँ से भी ई कॉमन है, ए प्लस ई एक्स वन, ई से ई हो गया कैंसिल। ये क्या है, ए माइनस ई ई एक्स वन किसके बराबर है, पी एस, और ये किसके बराबर है, पी एस डैश। तो ये जो एन पॉइंट है, ये एस एस डैश को अगल बगल वाला साइड पी एस और पी एस डैश के रेशियो में डिवाइड किया है, इसका मतलब पी एन क्या रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, मतलब ये एंगल को आधा आधा करेगा, थीटा बाई टू थीटा बाई टू। ये प्रॉपर्टी होता है, यहीं से हम लोग बनाते हैं इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इसी को देख के हम लोग बनाते हैं इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो अगर मान लो कभी एस डैश से होता हुआ कोई इंसिडेंट रे आया और P पॉइंट पे इलिप्स को स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। क्यों, क्योंकि PS और PS डैश ही ऐसा लाइन है जो नॉर्मल के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, थीटा बाई टू बना रहा है। तो सर आगे आप अपने से लिख लीजिएगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी रे अगर फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से पास होता है, रिफ्लेक्टेड रे, समझ गए। इंसिडेंट रे अगर फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे फोकस से जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है इलिप्स में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। प्रूफ कैसे होता है आपको पूरा कहानी बताई दी, समझ गए। लेकिन अच्छा ही बताओ यार, जैसे ये जो फोकस है इस समय, इस फोकस को क्या लगेगा, इस फोकस को ये लगेगा कि हमारे फोकस से कोई रे आया है, अच्छा तो ये रिफ्लेक्ट करके दूसरे फोकस के पास पहुंचा देगा, मतलब ये वाला जो रे है फिर से रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा दूसरे फोकस के पास। क्या दूसरे फोकस को क्या लगेगा, दूसरे फोकस को ये लगेगा, जैसे इसको आगे बढ़ाए फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ यहां से गया, कि हमारे फोकस से कोई रे आया है फिर रिफ्लेक्ट करके इस फोकस के पास भेज देगा। तो इसीलिए इलिप्स में जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है उसमें ये लिखता है कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन या आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन या आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब फर्स्ट या सेकेंड तक ही आता है वैसे, कि जैसे मान लो फोकस से आया रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से गया, फिर ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फिर सेकेंड फोकस के पास चला जाएगा, मतलब अगर ये इस फोकस से आया रिफ्लेक्ट होकर ये इस फोकस से गया फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अंदर ही ऐसे चलता रहता है। तो इसमें लिखना पड़ता है कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन की आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। आगे करते हैं, नॉर्मल एट द पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मतलब क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, उस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, कुल मिला के आपको यही ज्यादातर याद रखना है। तो देखो अभी हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन एक्स वन वाई वन पे क्या लिखे थे, ए स्क्वायर एक्स वाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई 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 वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये सर होता है नॉर्मल का इक्वेशन एक्स वन कामा वाई वन पे। अब नॉर्मल क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे है, मतलब एक्स वन का वैल्यू ए कॉस थीटा रख देंगे, वाई वन का वैल्यू बी साइन थीटा रख देंगे, तो ऐसा कुछ आपको दिखने लगेगा, ए स्क्वायर एक्स वाई एक्स वन, एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, वाई वन की जगह बी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा, मतलब ए एक्स सेक थीटा हो गया, यहां भी एक बी कैंसिल माइनस बी वाई वन बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन थीटा पे होता है, तो आपको मेन देखिए सर ये वाला याद रखना है, थीटा पे नॉर्मल के इक्वेशन क्या बताओगे, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दो तीन बार पूछ भी चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट लेटेस्ट रेक्टम, एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पॉइंट ए कामा बी स्क्वायर बाई ए, एंड इफ दिस नॉर्मल
passes through 0, minus b, then prove that e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए कामा बी स्क्वायर बाई ए. तो ए कामा बी स्क्वायर बाई ए मतलब क्या, एक्स वन वाई वन भाई, एक्स वन वाई वन पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हम लोग सीखे हैं. ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, एक्स वन की जगह ए, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, वाई वन की जगह बी स्क्वायर बाई ए, इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. यही होता है सर. अच्छा, इसको अगर थोड़ा कैंसिल करके लिखें तो ये ए से ए कैंसिल, मतलब ए एक्स बाई ई आ जाएगा. और यहाँ देखो बी स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा सर, ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अब नॉर्मल जीरो कामा माइनस बी से पास हो रहा है, तो जीरो कामा माइनस बी इसको सेटिस्फाई करा देंगे. देखो ना, नॉर्मल पहला सवाल तो खत्म हो गया. इसमें दो क्वेश्चन था. पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, तो नॉर्मल का इक्वेशन ये आ गया सर. पहला सवाल हो गया खत्म. दूसरा सवाल ये है कि यही नॉर्मल जीरो माइनस बी से पास हो रहा है, तो ये रिलेशन आपको लाना है. तो जीरो माइनस बी सेटिस्फाई करा दिए, तो यह आ जाएगा ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अच्छा, एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे, ए की पावर फोर ई की पावर फोर हो जाएगा. अच्छा, दोनों साइड का क्या किया, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ए की पावर फोर ई की पावर फोर. अच्छा, अब बी स्क्वायर का एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो. बी स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इधर ए की पावर फोर ई की पावर फोर. ए की पावर फोर देखो दोनों साइड हो जाएगा कैंसिल. अब ई स्क्वायर को आर एच एस साइड ले जाओ, तो ई की पावर फोर प्लस ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया वन. यही आपको देखो प्रूव करना था, ई की पावर फोर प्लस ई स्क्वायर का वैल्यू कितना, वन के बराबर. समझ गए. तो ये सर इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका होता है. यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं. ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक बार जो अभी सवाल पिछले साल पूछा था मेंस में, सेम का सेम, उसमें इसेंट्रिसिटी पूछा था क्या आएगा, तो e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर बराबर 1 आ गया. तो यहां से आप इसेंट्रिसिटी निकाल ही लेंगे, नहीं क्वाड्रेटिक बना है e स्क्वायर में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, द नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द इलिप्स मीट्स द x एक्सिस एट Q. P पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, x एक्सिस को Q पे मिला है. अच्छा, इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, PQ का मिड पॉइंट क्या है M, देन द लोकस ऑफ M, मतलब जो भी M का लोकस आएगा. कुल मिला के पहला सवाल तो इसमें यह है PQ के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है. ठीक, तो जो भी लोकस आएगा वो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स, मतलब ये जो गिवन इलिप्स है इसके लेटेस्ट रेक्टम को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो निकालना है. समझ गए. तो पहला हम लोग का एम क्या रहेगा कि मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना. अच्छा सवाल है ये, 2009 में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था. देखो इस तरह, ये सर है इलिप्स, थोड़ा सी इसे ढंग से लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 से डिवाइड कर रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना, 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. ठीक है सर. अब P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है P, तो P को क्या मान सकते हो, इलिप्स के ऊपर पॉइंट मानना है तो A cos थीटा B sin थीटा, A के जगह कितना है 4, तो A cos थीटा B के जगह 2 sin थीटा. ये आ गया सर P का कोऑर्डिनेट. X एक्सिस को कहाँ मिला है, Q को. तो सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, A cos थीटा B sin थीटा पे भी लिखना हम लोग सीखे हैं, AX sec थीटा A के जगह 4 माइनस BY cosec थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 12. तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगा, वाई को जीरो करो, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो आपको क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. वाई को जीरो किए देखिए, तो एक्स कितना आ रहा है, देखो ये 4 से कैंसिल होकर 3 आएगा, 3 बटे सेक थीटा मतलब 3 कॉस थीटा. ये सर आ गया क्यू. इतना सबको समझ में आया. P को हम लोग थीटा में क्यों माने हैं, क्योंकि लोकस निकालने वाला सवाल में वेरिएबल अगर कम रखोगे तो एलिमिनेशन कम करना होगा,
तो हम लोग इन जनरल थीटा वाले में ही मानते हैं सर, क्योंकि थीटा वाले में फायदा होता है, वेरिएबल कितने रहते हैं, एक। अच्छा, अब मिडिल पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, तो पहला लोकस वाले सवाल में एम हमारा क्या होता है कि जिसका लोकस पूछे उसे एच कामा के मान लो। तो पी क्यू के मिडिल पॉइंट का लोकस पूछा है, मिडिल पॉइंट को एच कामा के माने हैं। अब मिडिल पॉइंट का सर लगा दो फार्मूला, पी और क्यू का मिडिल पॉइंट देखो, 4 cos θ + 3 cos θ, 7 cos θ, 7 cos θ बराबर कितना, 2h हो जाएगा। अरे देखो इन दोनों का मिडिल पॉइंट ना h है, तो इतना प्लस इतना बाई 2 बराबर h, या 2h लिख दो, तो 2h बराबर 7 cos θ। समझ गए होगे, मिडिल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं सर। अच्छा, उसी तरह 2k बराबर 2 sin θ, यहां से cos थीटा निकालो, यहां से sin थीटा निकालो, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो हो जाएगा थीटा एलिमिनेट, और थीटा एलिमिनेट हो गया मतलब लोकस मिल जाएगा सर। अच्छा, तो यहां से हम लोग cos थीटा निकालेंगे, कितना 2h/7 होल स्क्वायर करके जोड़ना है दोनों साइड का, इधर आ जाएगा 4h² / 49 प्लस, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा है k स्क्वायर के बराबर, बराबर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। लोकस देखो मिल चुका है, पहला सवाल हो गया कंप्लीटेड, लोकस ऑफ m ये आएगा, h के जगह x रख दिए, k के जगह y, ठीक है सर, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि जो भी लोकस आया है ये गिवन इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो गिवन इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है भाई, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हम लोग सीखे थे x बराबर प्लस माइनस a। अच्छा, तो ये आएगा सर x बराबर प्लस माइनस a, a की जगह कितना 4, e होता है अंडर रूट 1 - 4/16, तो ये 4 से 4 सर कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 16 - 4 मतलब √12, 2√3। तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन आएगा x बराबर प्लस माइनस 2√3, सही सर। तो x के जगह प्लस माइनस 2√3 रखो, y निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। कुल मिला के इसको और इसको हमें करना है सॉल्व, तो सॉल्व करना है तो x तो यही रहेगा भाई, तो x के जगह इतना रख के y निकाल लेते हैं हम लोग, नहीं तो x स्क्वायर करेंगे 12, 48/49 प्लस y² = 1, तो y² आ गया 1 - 48/49 मतलब 1/49, तो y का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1/7, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा प्लस माइनस 2√3 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 1/7, तो ये आपका हो गया आंसर। समझ गए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था 2009 में। आगे चलो बढ़ते, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। देखो हमें क्या करना है, क्वाड का इक्वेशन निकालना है जिसका मिडिल पॉइंट गिवन, याद करो साहब ये हम लोग सर्कल में ही पढ़ लिए थे और उसी समय बताए थे, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, चारों में क्वाड का मिडिल पॉइंट पता है, तो क्वाड का इक्वेशन होता है t = s1। क्वाड ऑफ क्वांटिटेट का इक्वेशन होता था t = 0, याद दिलाते हैं चलो। तो इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम लोग क्वाड ऑफ क्वांटिटेट सीखते हैं, क्वाड ऑफ क्वांटिटेट, फिर ये सेकेंड मान लो ये सेकेंड पॉइंट डाल के तब लिखना, पहले क्वाड ऑफ कॉन्टेक्ट। किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो जहां पे ये टच करता है, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनता है इसी को बोलते थे क्वाड ऑफ कॉन्टेक्ट, याद ही होगा सबको। ये पॉइंट मान लो सर अगर h कामा k है, इलिप्स का इक्वेशन x² / a² y² / b² = 1 है, तो क्वाड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता था t = 0, चारों कर्म में बताए थे सेम होता है t = 0। और t लिखने के लिए क्या करते हैं, इलिप्स को जिस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, तो ये जो जो भी कर्व रहेगा उसको इस वाले पॉइंट से रिप्लेस करो, t आ जाएगा।
तो इक्वेशन बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एच, वाई स्क्वायर की जगह वाई के इक्वल टू वन, ये सर होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। ठीक, दूसरा पॉइंट, किसी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट पता हो तो कॉर्ड का इक्वेशन लिखना। जैसे मान लो ये इलिप्स है, इसका कोई कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, जैसे मान लो ये कोई कॉर्ड है ए बी, इसका मिडिल पॉइंट पता है, कॉर्ड का क्या पता है, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लो यहां है एक्स वन वाई वन, जैसे ये लिखा है कॉर्ड का मिडिल पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन, और कॉर्ड का इक्वेशन हमें लिखना है। इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो किसी भी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट पता रहता है तो सर्कल में ही आपको सिखा दिए थे कॉर्ड का इक्वेशन क्या लिखते हैं, टी बराबर एस वन, याद होगा सबको टी बराबर एस वन, ये होगा कॉर्ड का इक्वेशन। तो टी कैसे लिखते थे और एस वन कैसे लिखते थे, बस यही समझना है। टी लिखने के लिए हम लोग कर्व को रिप्लेस करते हैं, और किससे रिप्लेस करते हैं, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से करते हैं, और S1 लिखने के लिए जो भी मिडिल पॉइंट रहेगा कर्व में सेटिस्फाई कराओ, जो भी आएगा वो S1 होगा। तो देखो T लिख रहे हैं, इसको रिप्लेस करो X1 Y1 से, X स्क्वायर की जगह X X1, Y स्क्वायर की जगह Y Y1 माइनस वन, ये सर हो गया T। S1 मतलब इस पॉइंट को इस कर्व में करा दो सेटिस्फाई, तो X1 स्क्वायर बाई A स्क्वायर Y1 स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल होकर जो भी आएगा, ये है कॉर्ड का इक्वेशन। इक्वेशन आप कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट पता है, सही है सर। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, सर्कल में बताए थे, पैराबोला में नहीं बताए थे, क्योंकि सर्कल में बता दिए थे कि सारे कर्म में इसी तरह लिखते हैं। इलिप्स में एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि इसका सवाल इलिप्स से रिलेटेड बनता है, पैराबोला में उतना नहीं बनता था, समझ गए सब लोग। लेकिन जो कंसेप्ट बताए हैं सर्कल में वो बदलने वाला नहीं है सरकार, चाहे सर्कल हो चाहे पैराबोला चाहे इलिप्स, आगे हाइपरबोला में भी यही रहेगा। कॉर्ड का इक्वेशन टी बराबर एस वन अगर मिडिल पॉइंट पता है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन टी बराबर जीरो। दोनों में अंतर समझ में आया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखने के लिए एक्सटर्नल पॉइंट का यूज करते हैं, और टी बराबर एस वन लिखने के लिए मिडिल पॉइंट का यूज करते हैं, सिंपल सा अंतर है। क्लियर, हमें ये नहीं याद करना है, एक बार और समझ लो, लोग इसको रटने लगेंगे तो ये बहुत गड़बड़ बात है, इसको आपको नहीं याद करना है, आपको याद किसको करना है, बस इसको t बराबर s1 t बराबर 0, समझ रहे हो क्यों? वो तो रिप्लेस कर ही लेंगे यार, इतना तो बस सिखाने के लिए बस लिखे हैं कि आप एक बार थोड़ा देख लें, पुरानी बात है इसलिए हो सकता है लोग भूल गए हो, एक बार याद दिलाने के लिए कि कैसे रिप्लेस होता है, लेकिन आपको रिप्लेस करना कैसे होता है बस ये अगर सीख गए तो रिप्लेस कर लेंगे, और कुछ होता नहीं, हम लोग टी बराबर जीरो टी बराबर एस वन याद करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, ये बताई दी आपको, मतलब इसका प्रूफ हम लोग नॉर्मल में कर लिए थे, ये अलग से लिखा था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी रे फोकस से आएगा, इलिप्स के सर्फेस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगा, सिंपल सा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है। ठीक, अच्छा यार एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें आपको समझा देते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे मान लो ये इलिप्स, ठीक, अगर ऐसा कहीं लिखा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो इलिप्स के फोकस को सेंटर मान के, एक सर्कल ड्रॉ करना है इलिप्स के फोकस को सेंटर मान के, और ऐसा ये सब लिखा रहेगा कि सर्कल का कोई भी पार्ट इलिप्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, और सर्कल इलिप्स को टच कर रहा है। ठीक, पूरा बात फिर से सुनो, क्या बोले हैं कि इलिप्स के फोकस को सेंटर मान के कभी सर्कल बनाना हो और इलिप्स को टच कराना हो और सर्कल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आप हमेशा कैसे फिगर बनाएंगे इसको पहले सिखाते हैं आपको। लोग एक बार नॉर्मली जो सोचते हैं पहले वो बताते हैं, फिर बताएंगे वो गलत क्यों है, फिर सही क्या है ये बताएंगे, पहले गलत वाला सीखते हैं। अगर फोकस को सेंटर मान के कभी सर्कल बनाना हो
और इलिप्स को टच कराना हो तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आता है। ये सर यहाँ टच करा दिए, ऊपर भी नीचे भी होगा, थोड़ा सा नीचे भी टच करा दो, ऐसा कुछ नॉर्मली लोग इस तरह सोचते हैं। सर्कल, ठीक, क्या कहे हैं, इलिप्स के फोकस को सेंटर मान के सर्कल बनाना है और इलिप्स को टच कराना है। तो लोग सोचेंगे कि यार सर्कल ऐसे बना दें, फोकस को सेंटर मान के सर्कल बनाना था, इस तरह कुछ बना दिए, इलिप्स को टच भी करा दिए, कोई भी पार्ट बाहर भी नहीं निकला। लेकिन इसमें देखो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर ऐसा कोई फिगर बनाया तो हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो होता है वो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है कि कोई भी रे फोकस से आएगा, इलिप्स के सरफेस पे अगर पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से जाना चाहिए। अब समझो थोड़ा सा, ये इलिप्स का फोकस है, दूसरा फोकस मान लो यहां है एस्टेस। अगर मान लो कोई रे आया और जहां पे दोनों टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, फोकस से आया दूसरे वाले फोकस से और यहां पे स्ट्राइक किया, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दूसरे फोकस से ये जाना चाहिए। चलो दूसरे फोकस से रिफ्लेक्टेड रे को ले गए ऐसे, ठीक सर। लेकिन अब हो जाएगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी गलत। ये बताओ भाई, जहां पे दोनों टच किया है इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट है, और नॉर्मल सर्कल के केस में कहां से जाता है, सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से जाता है। तो ये जो लाइन आप, ये जो पर्पल कलर से लाइन ड्रॉ किए हैं, ये नॉर्मल भी है। अरे नॉर्मल भी है भाई, ये देखो सेंटर से गया है, फोकस से गया है, फोकस ही सर्कल का सेंटर है, मतलब ये लाइन क्या है, नॉर्मल भी है, और यही लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जीरो एंगल बना रहे, अरे यही नॉर्मल भी है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है, और हो जाएगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी गलत। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता क्या है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाता है, लेकिन यहां कुछ अलग ही है, इंसिडेंट रे थीटा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जीरो एंगल बना रहा है, तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी गलत। तो ऐसे कभी सर्कल नहीं बनाना है आपको। ये सिखा क्या रहे थे आपको कि फोकस को सेंटर मान के कभी सर्कल बनाना है, इलिप्स के सरफेस को टच कराना है, तो ऐसे टच नहीं कराएंगे। तो अब बात आता है कैसे कराएंगे सर, तो ये लिख देना ये रॉन्ग है, ठीक है सर। अब सही क्या है वो बताते हैं आपको, समझ में आ गया होगा, इसको हटाते हैं। अब देखो सही बताते हैं सही क्या होगा। ये सर इलिप्स है, फोकस को सेंटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो हमेशा इलिप्स के कॉर्नर पे टच कराया करो, कॉर्नर मतलब वर्टिसेस पे, तब कोई गड़बड़ नहीं होगा। देखो ऐसे बनाओ फिगर, ऐसे सर्कल का ना यहां पे टच कराया दोनों को, फोकस यहां है, फोकस को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किए हैं और कहां पे टच कराए हैं, कॉर्नर पे। अब देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी गलत नहीं होगा, मान लो कोई भी रे आया फोकस से, दूसरे वाले फोकस से, तो देखो दूसरे फोकस से कोई रे आएगा तो ऐसे आएगा सर, जहां पे टच किया वहां पे स्ट्राइक किया, तो कितने डिग्री पे आया है, अरे यही नॉर्मल भी है, देखो ये टेंजेंट है और यही लाइन नॉर्मल भी है, यही लाइन नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल से कितने डिग्री पे आया है, अरे जीरो डिग्री पे आया है, और रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा कितने डिग्री पे गया, जीरो डिग्री पे गया, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है। तो कभी आपको फिगर अगर ड्रॉ करना है फोकस को सेंटर मान के, आगे ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए डायरेक्ट याद रखना कि फोकस को सेंटर मान के कभी भी सर्कल इलिप्स में बनाना है तो इलिप्स को टच कराना हो तो कहाँ कराना, कॉर्नर पे, वर्टिसेस में। ये सर करेक्ट, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के यूज से सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह का सवाल आ भी चुका है एक बार, समझ गए सब लोग कहानी पूरा, आगे बढ़ते। एक एग्जांपल करो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का ही है, ट्राई करें सभी लोग। ए रे इमेनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -4,0 इज इंसिडेंट ऑन द इलिप्स एट द पॉइंट पी विथ ऑर्डिनेट 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन।
फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखो ये बात लिखा है, मतलब आपको रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार ही कराना है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना सर, ध्यान अगर देंगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि -40 इलिप्स का फोकस ही है, मतलब जिससे पास हो रहा है वो फोकस ही है। इलिप्स को आगे ढंग से लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 225 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। इसका पहले आप निकालो ए का वैल्यू, मतलब फोकस। अच्छा तो ई निकाल लेते हैं, ए तो पता ही है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना आ गया सर 4/5। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए है कितना 5, ई है 4/5, मतलब ए आ गया 4। तो इसका फोकस क्या होगा, इलिप्स का फोकस होगा 40 और -40। अरे ए जीरो और -A0 फोकस होता है ना भाई, तो जो रे निकला है वो कहां से आया है, -40 से आया है, मतलब इंसिडेंट रे -40 मतलब फोकस से आया है, और इलिप्स के किसी पॉइंट पी पे मिला जिसका ऑर्डिनेट 3 है। अच्छा मतलब ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो जिस भी पॉइंट पे मिला है उस पॉइंट का आपको ऑर्डिनेट पता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा तो ऑर्डिनेट मतलब वाई की जगह 3 रख के एफ सीसा एक्स निकाल लो, तो 9x² देखो यहां रख रहे हैं सर, 25 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है सर 9, 225, तो ये 225 ही आ रहा है, तो x बराबर आ गया 0। मतलब कुछ ऐसा फिगर होगा, देखो ध्यान से, ये इलिप्स है, फोकस से कोई रे आया और एक पॉइंट पे स्ट्राइक किया जिसका ऑर्डिनेट 3 है, जिसका ऑर्डिनेट 3 है, तो एफ सीसा कितना आया 0 आया, मतलब 0, 3 ये कहां पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्टेड रे हम जानते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोकस से जाता है, तो फोकस मतलब 40 से जाएगा, तो एक ही रिफ्लेक्शन करना है। तो कुल मिला के आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसी का इक्वेशन बताना है, तो 2.0, 3 और 4, 0 से जाने वाले लाइन के इक्वेशन लिखने सबको आता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, ये सर आपका हो गया आंसर। अरे ये वाला फॉर्म है ना एक्स बाई ए, देखो ये 4 है ये 3 है, तो लाइन के इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 वाला फॉर्म है, आसानी से बता सकते हैं आंसर। समझ में आया, इसमें डायरेक्ट ये बात नहीं लिखा था कि -40 से बस लिखा था जा रहा है, मतलब ये नहीं लिखा था फोकस से जा रहा है, तो पहला तो इसे जाना चाहिए फोकस से यार, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही कहता है कि फोकस से आएगा तो फोकस से जाएगा, तो फोकस 40 आना ही था। ऑब्जेक्टिव सवाल करो तो छोड़ देना, मैं तो कहूंगा टाइम वेस्ट क्यों करना, नहीं डायरेक्ट मान लेना फोकस ही रहा होगा, वो फोकस से आया रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। समझ गए सब लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अगला सवाल आपके सामने रहा ये। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम विच टू द इलिप्स टचेस द सर्कल, सी दिया है बी से छोटा है और बी ए से छोटा है, ठीक है ड्रॉ करो और जो भी कह रहा है करते जाए, लोकस आ जाएगा। इस तरह का सवाल अभी मार्च में जो पेपर मेंस का हुआ है आया था, थोड़ा डेटा बदला था, मतलब सेम, मैं ये नहीं कहूंगा सेम का सेम है, ए और बी का वैल्यू दिया था कुछ, यहाँ पे 16 दिया था, यहाँ पे 4 कुछ दिया था, उसी तरह सर्कल का भी इक्वेशन कुछ ना कुछ दिया था, लेकिन अगर इस सवाल कर लेंगे तो जो आया था वो भी कर ही लेंगे। फिगर पहले बनाओ सब लोग को, अगर फिगर समझ में आ रहा होगा तो कुछ ऐसे बनेगा सर, ये इलिप्स है मान लो, इलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन है, सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन है, और जो सर्कल बनाए हम लोग वो देखो सी का वैल्यू ए और बी दोनों से छोटा है, मतलब सर्कल अंदर ही कुछ बनेगा, दोनों से छोटा है, मतलब ऐसे बना दो सर्कल सर, मान लो ये सर्कल है ठीक। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम विच टू द इलिप्स, मतलब किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो तभी ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। अब पॉइंट मान ली यहां है, अब यहां से सर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, अब बना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये, सही है ना सर,
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कर रहा था, टचेस द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा था। तो इस पॉइंट का हमें लोकस बताना है, यही है सवाल। इस पॉइंट को मान लो एच कामा के, जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ठीक, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, सर्कल का भी इक्वेशन दे रखा है। तो पहला तो हम लोग फिगर बनाने का कोशिश किए हैं, फिगर उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। फिगर आ गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं सर, आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं। किसी पॉइंट से दो टेंजेंट इलिप्स का ड्रॉ किए हैं, इलिप्स का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये सर्कल को टच कर रहा है, तो आपको लोकस इस पॉइंट का बताना है। तो जिसका लोकस बताना है क्या मान लिए, एच कामा के। अब जो जो दिख रहा है वही करना है, अकल तो आपको लगाना नहीं है, जो जो दिख रहा है वो करो, आंसर मिला। तो पहला हमको ये दिखा, आपको भी ये दिखा होगा कि ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना बच्चा बच्चा जानता है, टी बराबर जीरो। ठीक, किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इलिप्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इलिप्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखने के लिए हम लोग जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट से इलिप्स को रिप्लेस कर दो, टी आ जाता है। अच्छा, मतलब जो टी बराबर जीरो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स एच, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई के, माइनस वन बराबर जीरो, ये आ गया टी बराबर जीरो। ठीक है सर, मतलब इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक, अब आपको क्या दिखा, अब हम लोग को आपको सबको ये दिखा होगा कि ये जो लाइन टी बराबर जीरो है ये सर्कल को टच कर रहा है, तो सर्कल को टच करने का लगा देते हैं कंडीशन। सर्कल को टच करने का कंडीशन क्या होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। इतना बार अब तो हो चुका है कोई लाइन सर्कल को टच करे तो क्या कंडीशन, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। तो सेंटर है सर्कल का जीरो जीरो, जीरो जीरो से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन लिखा है, जीरो जीरो से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो सर आएगा, देखो माइनस वन का मॉड मतलब वन, नीचे अंडर रूट एच स्क्वायर बाई ए की पावर फोर, एच स्क्वायर बाई ए की पावर फोर, के स्क्वायर बाई बी की पावर फोर इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना सी। क्या किए हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर का लंबाई रेडियस के बराबर, क्योंकि सर्कल को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। समझ गए बच्चे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, एच स्क्वायर बाई ए की पावर फोर, के स्क्वायर बाई बी की पावर फोर। सही ना सर, देखो ये इधर गया सी इधर गया, दोनों साइड को होल स्क्वायर किए तो इधर भी वन बाई सी स्क्वायर आएगा। लोकस आ चुका है, एच के जगह एक्स रख दो, के जगह वाई, आपका आंसर मिल गया। तो लोकस क्या आएगा, फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, एच के जगह एक्स, के जगह वाई, ये सर आपका आ गया लोकस ऑफ पॉइंट। समझ गए सभी लोग, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत ही अच्छा, मतलब ये सब करने में भी अच्छा लगता है सवाल, क्योंकि मतलब सवाल जो जो बोल रहा है, एक बार अगर फिगर आप बना दिए तो फिर मन में ही सवाल सॉल्व हो जाता है। सब लिखना तो बात का बात है भाई, अगर आप फिगर बनाने के बाद मन में ही सवाल नहीं सॉल्व कर पाए तो इसे कॉपी में इसे कुछ भी गुजमुचाने थोड़ी ना होगा। अगर करेक्ट एकदम फिगर बना लिए, सवाल समझ गए, तो सवाल जैसे फिगर बनाते दिख गया था हमको कि यार ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो टी बराबर जीरो लिखेंगे, इसके बाद सर्कल को टच करा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे आ जाएगा, उसके बाद फिर ये सब पेन चलाना होता है जो भी हमें करना है। इतना तो वो आपको सवाल पढ़ के उसके बाद फिगर बना के दिखना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल ट्राई करो, अगला सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करके देखें सभी लोग। ये पिछले लेक्चर के कहानी पे थोड़ा सा बेस्ड होगा, अगर पिछला लेक्चर आपको याद हो डायरेक्टर सर्कल का, याद आ रहा है डायरेक्टर सर्कल, भाई पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, क्या होता था, उस पॉइंट का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो, और लोकस आया था क्या, लोकस आया था सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बाद में फिर एच के जगह एक्स रख दिए थे, के जगह वाई रख दिए थे, मतलब आंसर फाइनल आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर कभी भी ड्रॉ होगा तो वो कहां से ड्रॉ होगा, डायरेक्टर सर्कल से, इसमें इसका यूज होगा, अगर किसी को ये याद रहेगा तभी कर पाएगा। देखो सवाल, अब पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, पहला एम यही रहेगा, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है सर,
तो ये बना दिए इलिप्स, ये मान लो सर कोई कॉर्ड है। अब ए और बी एंड पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट है परपेंडिकुलर। अभी आपको फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन ये 90 है, तो इस पॉइंट का हमें लोकस बताना है। लोकस इसका बताना था मिडिल पॉइंट। चलो इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, इसको हटाओ। अभी मिडिल पॉइंट जिसका लोकस बताना है H, K मान लो। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक। फिगर समझ में आया क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो एक कॉर्ड ए बी था, इसके मिडिल पॉइंट का लोकस पूछ रहा था, तो मिडिल पॉइंट को माने H, K, ठीक है सर। अब ए और बी पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और टेंजेंट क्या है? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है? 90। और हमें लोकस मिडिल पॉइंट का लिखना है। ये पॉइंट जो भी होगा ये इस कर्व पे लाई करेगा, सही है सर? x² + y² = a² + b² के ऊपर लाई करेगा, डायरेक्ट है सर्कल, क्योंकि टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर अगर कभी भी रहेगा तो वो डायरेक्ट है सर्कल पे ही लाई करेगा, पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा। अच्छा, तो इस डायरेक्टर सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। इसका नाम चलो a² + b² का थोड़ा देर के लिए r² मान लेते हैं, बाद में रख देंगे r² का वैल्यू इतना। तो x² + y² = r² पे पॉइंट क्या लेते हैं अपने से? r cos θ r sin θ, ठीक है सर। अब देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। पहला बात ये दिख रहा है कि ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब बोला नहीं था सवाल वाला, लेकिन दिख गया कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कैसे? अरे ये जो पी पॉइंट है यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने से ही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। तो ए बी को क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पहला बात ये दिखा कि ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ए बी का इक्वेशन लिखेंगे t = 0। अच्छा, टी लिखने के लिए किससे रिप्लेस करते हैं? बाहर वाला पॉइंट जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ हो। अच्छा, अब टी देखो लिख रहे हैं सर, कर रही है, तो इसको रिप्लेस करो इस पॉइंट से। क्या आया बताओ? x² के जगह x1 के जगह r cos θ अपॉन a² y r sin θ अपॉन b² = 1, ठीक है सर। ये क्या आ गया आपको? t = 0 से इक्वेशन। दूसरा आपको ये दिख रहा है कि ए बी एक कॉर्ड भी है जिसका मिडिल पॉइंट पता है, तो सेम ए बी का इक्वेशन t = s1 भी होगा। अब फिर से ए बी का इक्वेशन देखो लिख रहे हैं t = s1। अब टी और एस वन लिखने के लिए किसका यूज करेंगे? मिडिल पॉइंट का। चलो टी लिखते हैं पहले, मतलब मिडिल पॉइंट से रिप्लेस करो x² को xh, y² को yk, 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, s1 में भी आएगा, हटाओ उसको, क्या मतलब है? h² / a² k² / b² ये s1 हो गया ना सर, इस पॉइंट को इसमें कर सेटिस्फाई कराया। ये किसका इक्वेशन है? ए बी का। ये किसका इक्वेशन है? ए बी का। तो दोनों लाइन क्या होने चाहिए? सेम लाइन के ही दोनों इक्वेशन है, तो दोनों लाइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कोफिशियंट का रेशियो कर दो बराबर। यहां से सर देखो ध्यान से, तो r cos θ / a² और यहां h / a², तो a² कटी जाएगा, r cos θ / h लिखते हैं। इन दोनों का रेशियो देखो, r sin θ / b² और यहां k / b², तो यहां भी b² कट जाएगा, r sin θ / k आएगा। कांस्टेंट यहां है 1 और यहां कांस्टेंट है ये h² / a² + k² / b² रेशियो बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? सेम। अब cos थीटा निकाल लो, cos थीटा का वैल्यू कितना आया? cos थीटा का वैल्यू आया h / h² / a² + k² / b² और ये जो r है, या चलो r cos θ निकालते हैं, क्या मतलब है, ठीक। उसी तरह r sin θ निकाल लिए, r sin θ आ गया k / h² / a² + k² / b² अब हमें वेरिएबल क्या है?
वेरिएबल है थीटा, तो थीटा को करना है एलिमिनेट, थीटा अगर हट जाएगा तो लोकस आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो भाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का सम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर करके देखो जोड़ है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का सम आर स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही सर ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर किसको माने थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लास्ट में इसके जगह रख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लोकस आ चुका है। h के जगह x रख दो, k के जगह y, आपका आंसर मिल गया। अब जो भी है, कभी भी hk और कांस्टेंट में, hk और कांस्टेंट में अगर रिलेशन आ गया मतलब लोकस आ गया, h के जगह x रख दो, k के जगह y रख दो, बस लोकस मिल गया आपको। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करो। अभी जो कंसेप्ट आपको बताए थे, कौन सा टच कराने वाला, उसी पे बेस्ड है। एन इलिप्स इज ड्रॉन विथ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया है 10 और 8। अच्छा मतलब मेजर एक्सिस मतलब 2a, मेजर एक्सिस 2a कितना दिया है 10 और माइनर एक्सिस 2b कितना दिया है 8, मतलब a बराबर 5 b बराबर 4। तो a और b पता होता है, सेंट्रिसिटी पता होता है, अंडर रूट 1 माइनस 16 बाई 25 इसको करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 3/5, ये भी हमें पता है। चलो इतना बात आगे निकाल लिए हम लोग, फिर देखेंगे यूज तो पड़ेगा ही। यूजिंग वन फोकस एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन दैट इज टेंजेंट टू द इलिप्स विथ नो पार्ट ऑफ द सर्कल बीन आउटसाइड द इलिप्स, रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। ये पूरा वही कहानी है, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, फोकस को सेंटर मान के सर्कल इलिप्स को टच कर रहा है, कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकल रहा है। तो अब तो कंसेप्ट आपको पता ही है, बस डायरेक्ट आंसर बताना है भाई। देखो कभी भी फोकस को सेंटर मान के सर्कल बनाना है तो कहाँ टच कराओगे, कॉर्नर पे, ये बन गया सर्कल। सही सर ना, सर्कल का रेडियस हमें बताना है। तो बताओ ये है ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ कितना होता है ए, अरे ए है भाई। अच्छा ये फोकस होता है ए, तो ये ए मतलब ए में से, ए में से यहां से यहां तक ए है, उसमें से ए ही घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और यही देखो रेडियस है, तो रेडियस किसके बराबर, ए माइनस ए, ए कितना है 5, ए कितना, देखो ध्यान से देखो, ए है 5, ई है 3/5, मतलब 3 आ जाएगा ये, तो 5 माइनस 3 कितना 2, तो सर्कल का रेडियस 2 के बराबर, बी आंसर इज द राइट आंसर। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये सवाल मेंस में पूछ चुका है, बहुत ही आसान है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। तो आज आपका इलिप्स खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग हाइपरबोला शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे फिर नेक्स्ट क्लास से हाइपरबोला। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।